व्यूअर्स, एक नए ब्लॉग में आपको खुश आमदीद करता हूँ। अब हम जा रहे हैं मैजिक फाउंटेन की तरफ, जिसका शो अभी शुरू होने वाला है। तो यहाँ से हम मेट्रो लेंगे प्लाजा स्पानिया जाने के लिए, जहाँ पे ये मैजिक फाउंटेन शो होगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। स्पेनिश स्केयर उसको बोलते हैं। ये है स्टेशन का नाम अल्फोंस 10। ये मेट्रो आ चुकी है। तो व्यूवर्स, बार्सिलोना में सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका ट्रैवल करने का जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो जो है वो बेस्ट है। इसकी बहुत फ्रीक्वेंट सर्विस है और ये तकरीबन सारे शहर को ही एक दूसरे से मिलाती है। बहुत आरामदेह सफ़र है और इसके अंदर एयर कंडीशन भी है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास भी बहुत कम रहता है। हम प्लाजा स्पानिया आ चुके हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये सब लोग उसी शो को देखने जा रहे हैं। जी व्यूवर्स, अभी शो शुरू होने में आधा घंटा बाकी है। वो आगे शो शुरू होगा। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग जो हैं इस शो को देखने आ रहे हैं। ये मतीन ने एक पंखा खरीदा है और एक तहरीम ने भी लिया है। और नाज़रीन, ये अभी वार्म अप शुरू हो चुका है फाउंटेन्स का। थोड़ी देर में फुल शो शुरू हो जाएगा। ये सड़क के इस तरफ है और सड़क के उस तरफ भी हैं, दोनों तरफ हैं। और आगे वहाँ पे मेन फाउंटेन है ऊपर, और उससे ऊपर भी हैं। ये देखिए लाइटें शुरू हो रही हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है और उसके बाद फिर ये फाउंटेन्स डांस करेंगे, मुख्तलिफ कलर निकालेंगे और म्यूज़िक भी होगा। जी नाज़रीन, कॉपी राइट्स की वजह से हो सकता है कि म्यूज़िक मुझे चेंज करना पड़े। ओरिजिनल म्यूज़िक हो सकता है मैं ना चला सकूं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। तो लेकिन डांस करते हुए फाउंटेन्स आपको ज़रूर नज़र आएंगे। वाओ, ये है यहाँ पे मेन फाउंटेन। वो देखे नाज़रीन ऊपर तक, वहाँ ऊपर तक हैं फाउंटेन्स। Thank you.
जी व्यूअर्स, अभी थोड़ा ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऊपर भी फाउंटेन्स चल रहे हैं। काफी नीचे तक है। ये ऊपर वाले फाउंटेन्स हैं, लेकिन मेन म्यूजिक जो है वो नीचे ही है। वाह, सबसे ऊपर आ चुके हैं। ये ऊपर वाले जो है वो फाउंटेन्स हैं, वो नीचे मेन फाउंटेन और उसके दोनों तरफ पीछे नीचे तक दूसरे छोटे फाउंटेन, और एक फाउंटेन ये है बड़ा वाला सबसे ऊपर वाला, और उसके बाद आगे म्यूजियम है। वंडरफुल। ये अभी नीचे आ गए हैं फिर से, यहाँ पे शो अभी तक जारी है। ये एक घंटा शो चलता है 9:30 से 10:30 तक, और याद रहे कि गर्मियों की छुट्टियों में वेंसडे टू संडे होता है, मंडे और ट्यूसडे नहीं होता। हम पहले मंडे को आ चुके थे लेकिन नहीं हुआ था उस दिन। लेकिन बहुत ही स्पेक्टेकुलर शो है। जी व्यूवर्स, हम थोड़ी देर पहले निकल आए हैं, कोई 10-1 मिनट पहले शो ख़त्म होने से। इतने ज़्यादा लोग, जब शो ख़त्म होगा तो सारे मेट्रो की तरफ जाएंगे, तो आप सोचिए कितना रश होगा। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे थोड़े रश में निकल जाएं यहाँ से। व्यूवर्स, हम थोड़ी देर पहले निकले लेकिन फिर भी हम रश में फंस ही गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर। और अभी 5 मिनट और हैं अगली ट्रेन को आने में। कि नाज़रीन ग्रामी, इसी के साथ मैजिक फाउंटेन्स का व्लॉग इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक शो था और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद आया। म्यूज़िक के साथ डांस करते हुए फाउंटेन्स और मुख्तलिफ कलर्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे थे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ आपसे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय। Thank you.